दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर उपराज्यपाल नसीब जंग के आवास के बाहर स्याही फेंकी गई है। सिसोदिया फिनलैंड से लौटने के बाद उपराज्यपाल से मिलने गए थे। यह मुलाकात डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर थी। स्याही फेंकने वाले शख्स का नाम ब्रजेश शुक्ला है। ब्रजेश शुक्ला स्वराज्य जनता पार्टी का सदस्य है। यह शख्स मंत्रियों के दिल्ली से बाहर होने को लेकर नाराज था। बताया जा रहा है कि एलजी हाउस के बाहर जब मनीष सिसोदिया प्रेस से बात कर रहे थे, तभी नाराजगी जाहिर करते हुए ब्रजेश शुक्ला ने उन पर अचानक स्याही फेंक दी। इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि विरोधियों के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई काम, वो सिर्फ स्याही फेंकना जानते हैं। पिछली सरकारों ने हेल्थ और शिक्षा का कबाड़ा कर दिया है, जिसके सुधार में हम लगे हैं। वैसे कोई पहला मामला नहीं है जब राजनेताओं पर इस तरह से स्याही फेंकी गई हो, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है। देखते रहिए टीवी लाइव।